हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम गोपाल जी का झूला बनाने जा रहे हैं स्पंज शीट से। देखिए इसकी चौड़ाई है मेरे पास 7.5 इंच के करीब है। कपड़े की चौड़ाई हम 9 इंच के करीब लेंगे, 2 इंच फालतू, ठीक है। देखिए इसकी लंबाई आपको दिखा देती हूँ, 28 है ये, जितनी थी मैंने अपनी पूरी ऐसे ही रख ली है शीट, सिर्फ इसकी चौड़ाई मैंने थोड़ी कम की है, लंबाई मेरी इतनी ही थी शीट की, ठीक है। जब हम कपड़ा लेंगे तो हम 7 या 8 इंच कपड़ा फालतू लेंगे, 28 है, 35 तक हम अपना कपड़े की लंबाई लेंगे। चौड़ाई हमें 2 इंच फालतू चाहिए, देखिए 7.5 है, 9 इंच के करीब हम कपड़े की चौड़ाई लेंगे और लंबाई हम 7 या 8 इंच फालतू लेंगे, ठीक है। देखिए हमें दो पीस चाहिए कपड़े के। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो दोनों तरफ एक सार कपड़ा ले लीजिएगा, कम है तो इसी तरह अलग अलग लगा लीजिएगा। देखिए कपड़े की चौड़ाई मैंने रखी है 8.5-9 इंच के करीब हो गई है, लंबाई मैंने 8 इंच फालतू ली है क्योंकि हम नीचे डिज़ाइन बनाएंगे उस हिसाब से। देखिए दो पीस हैं मेरे पास, सबसे पहले हम ऊपर सिलाई लगाएंगे, इन दो पीस ऐसे को पकड़ेंगे, ऐसे मुझे सीधी सिलाई लगानी है ऐसे, ठीक है। दिखाते हैं आपको, देखिए ये दो पीस मैंने लिए हैं, जो पिछला पीस है वो मेरा छोटा है, लंबाई में कम है थोड़ा। क्या आपको दिख नहीं रहा? देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों सिरों को ऊपर से पकड़ के ऐसे एक लंबी सिलाई लगा ली है इस तरफ, ठीक है। अब देखिएगा मेरी ऐसे जुड़ गए हैं दोनों। अब थोड़ा सा हम ऊपर से इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, 1.5 इंच नीचे से इस तरफ से और 1.5 इंच इस तरफ से, यहाँ से लेके सिर्फ थोड़ा ही हमें फोल्ड करना है ऊपर स्टिच अपनी स्टिक डालने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ तो मैंने ऐसे इसको फोल्ड कर लिया है, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है, 1.5 इंच इस तरफ और 1.5 इंच इस तरफ, सेम मुझे ऐसे ही दूसरी तरफ करना है फोल्ड। सबसे ऊपर हमने सिलाई लगाई है या इस तरफ से लेके और यहाँ तक, बस अंदाजे से 1.5 इंच हमें ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरफ भी अपनी सिलाई लगा ली है, सबसे ऊपर जहाँ हमने कॉर्नर जोड़े हैं वहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा ऐसे दोनों साइड से इसे फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब बाकी की सिलाई हम ऐसे लगाएंगे, ये हिस्सा हम थोड़ा सा ऊपर खुला रखेंगे, बाकी ऐसे एक साथ पकड़ के अपने कपड़ों को ऐसे लंबी सिलाई लगानी है हमें। दोनों हिस्से हमारे अंदर सीधे हैं और बाहर उल्टे हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ऊपर हम इसको खुला रखेंगे स्टिक डालने के लिए, पेंसिल होगी आपके पास डिज़ाइन वाली वो डाल लीजिए, बाकी हम अपने कपड़ों को एक साथ पकड़ के सिल लेंगे। देखिए हमारे सिरे अंदर हैं, ये लंबी सिलाई लगेगी, दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, एक सिलाई तो मेरी इस तरह लंबी लग गई है, शुरू से लेकर लास्ट तक लगाई है, सेम सिलाई में दूसरी तरफ लगाऊंगे। ऊपर से इतना छोड़ना है हमें, अंदर इसके हम डंडे डालेंगे, और ये भी सिलाई में आपको एकदम ऐसे लंबी लगा के दिखाती हूँ, जितनी भी हमारी कपड़े की लंबाई है एक सर करके ऐसे लगाएंगे। देखिए पिछला पीस मैंने थोड़ा कम छोटा लिया है, ठीक है, जब डिज़ाइन हमारा सामने वाले पल्ले में बनेगा, इसलिए ये सिलाई मैं आपको पूरी कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी दोनों तरफ लंबी सिलाइयाँ लग चुकी हैं, ये देखिए एकदम ऐसे लंबी लगाई हमने, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। अब मैं इस पीस को सीधा करूँगी,
ये सीधा करके आपको फिर दिखाती हूँ। सभी कपड़े ऐसे पकड़ के अंदर कर लेंगे, अच्छे से कॉर्नर निकाल लेंगे। देखिए हमने ऊपर से खुला छोड़ा इसको दोनों तरफ से, देखिए हमारा इतना लंबा पीस बन गया है। अब इसके अंदर हमें अपनी स्पंज डालनी है, ऐसे पकड़ेंगे स्पंज को, आराम से इसको ऐसे अंदर सीधा डाल देंगे। मैं ऐसे सीधा आपको डाल के फिर दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने स्पंज अपनी पूरी अंदर कर दी है, ये देखिए हमारी पूरी स्पंज अंदर है। एक ऐसे लंबी हमें पीस मिल गया है, ये सीधी तरफ है और ये उल्टी तरफ है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो हमने ऊपर खुला छोड़ा है ये सबसे ऊपर की तरफ आ गया, देखिए दोनों तरफ आ गया ये खुला छोड़ा हमने। ऐसी लंबी हमारी स्टिक पूरी लंबी बन गई पट्टी, अंदर स्पंज डाली है हमने। सबसे नीचे देखिए हम ऐसे बीच में इसको एक सार करके निशान लगाएंगे, हाफ कर लेंगे ऐसे पकड़ के। देखिए ये हमारा ऐसे बीच में आ गया निशान, देखिएगा हमें नीचे डिज़ाइन बनाना है अपना। ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ेंगे और इस तरफ से ऐसे मोड़ देंगे, ये कॉर्नर थोड़ा सा ऐसे मोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए आपको दोबारा मोड़ के दिखाते हैं, एक मिनट। देखिए हमारी स्पंज यहाँ पे ख़त्म हुई है, हमने ऐसे निशान लगा लिया, एक सार आएगा और ये हमारा बीच में निशान है। यहाँ पे पकड़ेंगे हम हाथ को, ऐसे पकड़ के अंदर ऐसे कपड़े को तिरछा कर देंगे, सेम इसी तरह इस तरफ पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे तिरछा कर देंगे। जो निशान लगाया हमने एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस करेंगे निशान को, तो ये ऐसे तिरछा बन जाएगा, ठीक है। अब एक सिलाई मुझे ऐसे लगानी है और एक सिलाई मुझे ऐसे लगानी है, फिर इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। पहले इस तरफ लगा लेते हैं, देखिए स्पंज काफ़ी लंबी हो गई हमारी, एकदम ऐसे कॉर्नर निकालेंगे। देखिए ये हमारा निशान है बीच वाला, इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर करना है निशान को, ताकि एकदम सीध में आ जाए हमारी सिलाई। एकदम ऊपर ऊपर लगाएंगे, अब इस तरफ मोड़ देंगे, यहाँ से पकड़ेंगे। देखिए हमने यहाँ पे हमारी स्पंज ख़त्म हुई है और ऐसे इस तरफ अंदर कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से हमें ऐसे तिरछा मिल जाएगा सामने, और वापस सिलाई हमें ऊपर लेके आनी है इस तरह। ऐसे तिरछी सिलाई हमें वापस ऊपर लेके आनी है। देखिए मेरी दोनों तरफ सिलाइयाँ लग चुकी हैं, पहले यहाँ पे लगाई मैंने, अंदर कपड़ा अपना मोड़ लिया, देखिए उल्टी तरफ आ गया, फिर इस तरफ लगाई। अब मैं एक सिलाई यहाँ पे लगा लूँगी जहाँ पे मेरी स्पंज यहाँ पे ख़त्म हुई है, ठीक है। ये सीधी सिलाई लगानी है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये शेप तो ऐसे सिलाई हमें लगा ली है। अब हम ऐसे ऊपर गोटा लगाएंगे, पहले गोटे को ऐसे स्क्वायर कर लेंगे, ये भी उधर जाता है जैसे हमारा रिबन उधर जाता है, ठीक है। जितनी इस तरफ की ऐसी हमारी चौड़ाई है, एक पट्टी ऐसे लगानी है मुझे, देखिए इसके ऊपर लगानी है, ये नीचे वाली शेप है मेरी, जो मैंने नीचे डिज़ाइन बनाना बताया है आपको, ये नीचे वाला इसके ऊपर लगानी है हमें ऐसे। यहाँ पे लगेगी ये पट्टी, एक सिलाई यहाँ पे लगाऊंगी, एक इसके ऊपर लगाऊंगी, दो सिलाइयाँ लगेंगी मेरी, एकदम सीध में लगाएंगे। इसके अंदर हमें स्टिक डालनी है, थोड़ा ही लेंगे इसको सिलाई में, थोड़ा चौड़ा गोटा लगाएंगे। ठीक है, ये वाली सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ नीचे तो सिलाई लगा ली है, अब एक सिलाई मैं ऐसे ऊपर लगाऊंगी, ये सिलाई भी मैं आपको ऐसे
कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे नीचे गोटा लगा लिया है। अब ये ऐसे हमने मोड़ के इसको सिलाई लगाई थी दोनों तरफ। ये अंदर मेरा कपड़ा ऐसे है, देखिए पीछे की तरफ, ठीक है, ये ऐसे खुला हुआ है। इसको मैं ऐसे अच्छे से एक सार करके सुई के साथ ऐसे इसको टांके लगा दूंगी ताकि ये बाहर ना आए। अब मशीन भी लगा सकते हैं इस पर। अंदर अंदर से टांका लेना है मुझे। अच्छे से ऐसे हाथ के साथ एक सार करके मैं, जितने मेरा कपड़ा बाहर ना निकले। देखिए पीछे से भी ऐसे हो गया, यहाँ पे भी ऐसे टांके लगा दूंगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे से एकदम शेप में आ गया है, वी शेप में आ गया है। और देखिए टांके अंदर ऐसे कपड़े करके मैंने एकदम से टांका लगा लिया है। अब हम एक लंबी पट्टी सी लेंगे। जितनी लंबी ये मेरी इसकी लंबाई रखी थी मैंने 37, उतनी लंबी हम 2 इंच के करीब ऐसे पट्टी कट करेंगे। देखिए इतनी लंबी है मेरे पास ये पट्टी, जितनी मैंने इसके साइड में से ऐसे निकाल ली जितनी मेरे पास इसकी लंबाई थी। अब मैं इसको दोनों तरफ से ऐसे सिल के एक लंबी स्टिक तैयार करूँगी, पट्टी तैयार करूँगी एक लंबी, ऐसे दोनों तरफ से मोड़ के। ऐसे दोनों तरफ से मोड़ के मुझे ऐसी लंबी पट्टी तैयार करनी है, ठीक है, दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मेरी दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। जितनी लंबाई मैंने अपने कपड़े की रखी थी, ठीक है, उतनी लंबियाँ ये पट्टी हैं, 37 इंच के करीब हैं ये। देखिए दो मैं गोटे की पट्टियाँ ले ली हैं, इनको भी सिक्योर कर लिया दोनों तरफ से। ये मेरी हैं 17.5 तक हैं, ठीक है। देखिए अब मैं इनको, पहले ये गोटे वाली पट्टी लगेगी मेरी। देखिए इसके अंदर मैंने अपनी ऐसे स्टिक डाल ली है एक, ठीक है, चाहे आप बाद में डाल लीजिएगा ये वाली पट्टी लगा के, वैसे तो बाद में ही लगेगी, मुझे निकालनी पड़ेगी ये। ऐसे मैं अपनी पट्टी लगाऊंगी। देखिए इसके ऊपर मशीन नहीं चलेगी, निकाल देती हूँ अभी। ऐसे डबल पकड़ेंगे, यहाँ पे ऐसे सिलाई लगानी है मुझे कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे लगा लेंगे ऐसे साइड में, ठीक है। एक मिनट, देखिए मैंने एक तरफ तो अपनी पट्टी ऐसे लगा ली है, एकदम कॉर्नर पे लगाई है डबल करके, और ये भी मैं ऐसे डबल पकड़ के ये ऐसे दूसरे कॉर्नर पे लगा लूँगी, ऐसे यहाँ पे लगा के आपको फिर दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ ऐसे अपना गोटा लगा लिया है डबल करके। अब हमें एक चूड़ी चाहिए, कड़ा मजबूत सा लीजिए आप मेटल का, उसके ऊपर ऐसे हम देखिए कॉटन का कपड़ा लपेटेंगे, इसको अच्छे से ऐसे कवर कर लेंगे सारे को ही, करके दिखाती हूँ मैं। अच्छे से ऐसे घुमा घुमा के कवर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने इसको कपड़े से कवर कर दिया है, जहाँ पे शुरू किया था वहाँ पे ऊपर डबल कपड़ा कर दिया। अभी यहाँ पे हम देखिए सुई के साथ इसको अच्छे से पक्का कर देंगे ताकि हमारा ये कपड़ा उधड़े ना। अच्छे से ऐसे टांके लगाएंगे, जहाँ तक हमारा ये कपड़ा खुला हुआ है अच्छे से इसको नोट लगा के कट कर देंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दो लंबी पट्टियाँ सिली हैं। ऐसे गोटे को सीधा करेंगे ऊपर से, ऐसे नीचे ऐसे इसको, देखिए हमारी ऐसी आनी चाहिए पट्टी। ऐसे यहाँ पे इसको टांका लगा देंगे, चाहे आप मशीन से लगाइए, अगर हाथ के साथ लगाएंगे तो हाथ के साथ लगा लीजिए, दिखाती। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मशीन के साथ इसमें ऐसे टांका लगा लिया है। अब दूसरी उठाएंगे हम पट्टी, और दूसरी भी हम ऐसे ही अंदर डाल के ऐसे ही टांका लगा देंगे। दूसरी पट्टी को भी ऐसे सीधा करेंगे, पहले ये गोटा हमारा सीधा आना चाहिए, और इसको
ऐसे सिल देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ऐसे सिल के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मेरी दोनों पट्टियाँ अंदर आ गई, सिल गई हैं, गोटे के अंदर ले ली है मैंने। देखिए सामने की, ये सामने का लुक है, ये देखिए एकदम ऐसे सीधा करेंगे इन पट्टियों को, दोनों को ऐसे सीधा रखना है हमें, एक सार है हमारी ये पट्टियाँ। देखिए ऐसे अंदर चूड़ी डाल देंगे इस पट्टी की, ठीक है, एक सीधी रख के चूड़ी डालेंगे इसके अंदर, चूड़ी डाल के इसको ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, जिस तरफ की पट्टी है उस तरफ उसको ऐसे सिल देंगे। ये हमारी पट्टी इस तरफ है, ऐसे उलटाएंगे, एक टांका यहाँ पे लग जाएगा और एक टांका हमारा ऊपर यहाँ पे लग जाएगा। देखिए दोनों तरफ ऐसे हमारे टांके आ जाएंगे, उल्टी तरफ लगाएंगे हम ऐसा उल्टा के ऐसे मशीन के साथ, ये दो टांके हमारे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। दिखाती हैं आपको, देखिए फ्रेंड्स हमने अंदर अपने चूड़ी डाल के सबसे ऊपर जाके देखिए हमने यहाँ पे दो टांके लगा लिए हैं, एक इस तरफ लगा लिया सीध में, एक इस तरफ। अब जो हमने ऊपर जगह छोड़ी थी उसके ऊपर हम देखिए स्टिक डालेंगे अपनी, ये सिर्फ मजबूती के लिए हैं। दोनों तरफ हमने खुला रखा था, सबसे ऊपर में आपको बताया था, ये देखिए ऐसे ये हमारे ऊपर की तरफ आ जाएंगी और एक हम नीचे डाली हुई है जहाँ पे मैंने ये गोटा लगाया है। देखिए यहाँ पे ये गोटा थोड़ा चौड़ाई में है, इसके अंदर आ गई स्टिक। अब हम देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे और हमारा झूला ऐसे शेप में आ जाएगा। देखिए बहुत प्यारा बना है, ऊपर ये ऐसे पकड़ने के लिए बन गया, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। अब हम इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे, आपके पास कुछ भी होगा वो लगाइए। देखिए यहाँ पे मैं लटकन लगाऊंगी, एक यहाँ पे सुई धागे से लगेंगे, यहाँ पे ऐसे तिरछे, ठीक है, लगा के दिखाती हूँ आपको। बहुत प्यारा बना है, सब कॉटन का बन गया एकदम बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये लटकन तो लगा लिए हैं, देखिए ऊपर मैंने इसको इकट्ठा करके रबड़ बैंड चढ़ाया है, ये काफ़ी पकड़ने में दिक्कत आ रही है इसको, काफ़ी बड़ा लंबा बन गया ये। देखिए सामने से ऐसे दिखेगा ये झूमर की तरह, बहुत प्यारा बना है। अब इसके ऊपर मैं ऐसे गोटा पट्टी लगा दूंगी, देखिए ऐसे ही शेप में वो इस तरह उल्टी आ जाएगी, ऐसे घुमा के दोबारा इस तरफ, ठीक है। ये मशीन से लगेगी, मैं आपको ऐसे लगा के फिर दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स गोटा पट्टी लगने के बाद कुछ ऐसी शेप आई है, बहुत ही प्यारा बन रहा है, ठीक है। देखिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, देखिए मैंने ऊपर से ऐसे पकड़ रखा है इसको, ऐसे पकड़ के ऐसे लटकन ऐसे लटक जाएगा, ये देखिए एकदम अच्छा बना है। अब बैठने के लिए गद्दा भी तैयार कर लेते हैं। देखिए जो मैंने ये इसके अंदर डंडी डाली है, यहाँ पे आप दोनों साइड लटकन लगाइए, दो नीचे और ये दो ऊपर लग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए फ्रेंड जिस हिसाब से हमारा झूले की चौड़ाई तैयार हुई है उससे थोड़ा सा फालतू ही रखेंगे हम, ज़्यादा भी नहीं, 8.5 है ये। अब देखिएगा इसको मैं कपड़े के अंदर डालूँगी, ऐसे डबल कपड़ा लूँगी, ऐसे तीन तरफ से सिल लूँगी कपड़े को, दो सिलाइयाँ आ जाएंगी, मैं एक तरफ से सिला हुआ है ऐसे सीधे, ये दो सिलाई निकाल लगा के फिर दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके अंदर मुझे स्पंज डालनी है और गद्दा तैयार करना है, ये दो सिलाइयाँ लगेंगी मेरी, एक तरफ मैं अपना खुला रखूँगी इसको। देखिए फ्रेंड्स मैंने गद्दा सिल के अंदर स्पंज डाल ली है, एकदम हार्ड स्पंज है ये। अब इसको यहाँ से सुई के साथ हम सिल देंगे, ये झूले के ऊपर रखा होगा गद्दा, नहीं तो कान्हा जी अंदर से अंदर को होते जाएंगे। देखिए इसको मैं ऐसे सुई से सिल दूँगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हमारे गोपाल जी ऊपर बैठ गए हैं, बहुत प्यारा झूला बना है। देखिए ये गद्दा ऐसे ऊपर रखने के लिए बनाया है मैंने, बहुत प्यारा झूला बना है फ्रेंड्स। बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय।